देखिए श्रावणी जी, क्लास 10 आईसीएसई। देखिए तो एमसीक्यू P2403365IR, वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट SR। विनीत बाबू, क्या किया जाए? देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हजारों साल पहले हमने की थी। ये जहाँ ये करते हैं ना, मिड पॉइंट होता है ये वाले डायगनल का और ये वाले डायगनल का। मेरी बात नहीं समझ आई श्रावणी जी, आपको समझ आया? श्रावणी जी समझ आया? सर, हाँ सर, तो यार ये 2 4 है, ये 3 6 है, इसका मिड पॉइंट 5/2,5 होगा। नहीं समझ में आया? ये पार्ट नहीं समझा। अक्टूबर में ये पार्ट नहीं समझा? मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे आसान, 2 + 3/2, 4 + 6/2। याद आया नहीं आया? तो हाँ, अब ये जो मिड पॉइंट है बेटा, वो इसका भी मिड पॉइंट होगा, वो SQ का भी मिड पॉइंट होगा। नहीं समझा? समझाओ। तो अगर आप देखेंगे ना, आप ठीक है नहीं है रास्ते पे, ठीक है नहीं है, तो आपको ऐसे पता चलेगा। ये देखिए, ये 5 है और ये 0 है। 5 + 0/2, 5/2, तो x ठीक है। y + 3 इज इक्वल टू 5, तो y क्या होगा? 10 - 3 7। भाई समझ आ रहा है? अपने आपसे बात कर रहा हूँ। बाइज आर्टिकल फ्रॉम होलसेलर, तो ये होलसेलर की स्टोरी है। वो होलसेलर का जो भी है, वो सब उसका होलसेलर का चलता रहेगा। बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर फॉर 20,000। शॉपकीपर को तो ये है कि मैंने 20,000 का लिया, सेल्स रेटेड टू कंज्यूमर एट 10% का प्रॉफिट, तो मतलब इसने 22,000 का दिया। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, इज 12%, 12% लगा हुआ है। अरे नहीं, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, मतलब 12% जीएसटी है, देन द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर इज, शॉपकीपर की जो We लायबिलिटी have है। to find 12% of 22,000, जी सर, right? जी 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 वॉशिंग मशीन से निकाल लेना। 12 to the 24, 12 to the 24, 264, 2640, टू सिक्स, अरे शांति रखो यार, 2640। ये तो ये हाँ साइड सर, पे है, मुझे वही था। ये तो ये साइड है, और ये साइड जो जीएसटी है वो कितना है? 12% ऑफ 20,000, 2,400 तो 2,400, माइनस तो 2640 -2400, तो 0 4 240, तो ये आएगा। एक तरीके से मैंने भी सही किया था। एक सेकंड सराउंड जी, आपको कोई डाउट है? नहीं सर, समझा। आप बोलिए। एक तरीके से मैंने भी सही किया था। ठीक है, अरे जो भी किया था समझ तो आ गया ना। ठीक, फ्रूट्स ये दादा आपको, आपसे जो बात चल रही थी प्रिंस बाबू, इक्वल रूट्स जो आपको मैडम ने बताया, इक्वल रूट्स होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, इसलिए मैडम ने आपको बोला कि B² 4AC के इक्वल होगा। यहां पर यूज करना है ना, डिफरेंस समझ आ गया? तो B² मतलब -K² भाई, समझ आ गया ना? एक क्वेश्चन ऐसे होता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, तो उस केस में बेटा आपने B² - 4AC को कैलकुलेट करना है। बट यहाँ वो बोल रहा है कि इक्वल रूट्स, अगर इक्वल रूट्स हैं तो थोड़ा सा देखिए, -B + -B² - 4AC/2A। तो अगर ये फैक्टर 0 हो जाए, ये फैक्टर 0 हो जाए ना, तो इक्वल रूट्स आ जाते हैं, x = -B/2A, ये और -B/2A, दो रूट्स आ जाते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है। तो B² मतलब D को 0 होना पड़ेगा, इसका मतलब B² 4AC के इक्वल हो गया, तो -K² किसके इक्वल हो गया? 4AC। भाई समझ आ रहा है? नहीं आ रहा मित्रों? सो मुझे इसका आंसर आया डी एंड। नहीं समझ में? तो K दो वैल्यू ले सकता है, K 0 और K 8। नहीं समझ में? हाँ सर, समझो। हाँ क्वाड्रेटिक ही है ना मैडम? डाउट है मैडम? डाउट है? नहीं जैसन ओपन्ड अ रिकरिंग डिपॉजिट बैंक, डिपॉजिटेड 8 फलाना ढिमकाना, 800 रुपये 1.5 साल से कर रहा है, सर, मुझे 5% पर एनम का कुछ इम्पोर्टेंस लगा नहीं, 5% पर एनम पे कितने साल? बताओ। 1.5 ईयर्स, मतलब
18 मंथ्स, रेट कितना? 5%। टोटल मनी डिपॉजिटेड 18 800 × 18, टोटल मनी5% डिपॉजिटेड बाय जेसर इन द विल्स। यस यस यस। तो मेरे को वही 5% में कुछ लगा हाँ, नहीं नहीं है नहीं कुछ थोड़ी नहीं है। कम कर दे। अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज किया। 8 × 64 = 144। श्रेया मैं जी तो समझ पहले गया? कहा पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। हाँ अच्छा श्रेया जी, आपको समझ आया? मुझे बेटा वो आपसे, सर सॉरी नहीं दिक्कत हाँ पता होता नहीं क्या है क्या चलता रहा था। देन द टोटल मनी डिपॉजिटेड, आपने क्वेश्चन ठीक किया गलत किया? सुनावनी जी नहीं मैंने पहले गलत किया था फिर विनीत को पता है समझा नाइस। अच्छा क्वेश्चन, मुझे। अच्छा क्वेश्चन। तो विनीत बाबू, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6 1 1 6 1 by 4 and 5 इज। थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब ये, आप जैसे उस दिन जीपी की बात हो रही थी, आपको याद है भाई? याद है नहीं याद? तो थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि ये ना वो जीपी में तीसरा आदमी होगा। नहीं समझ में आया? डाउट है तो पूछ लो पक्का। तो ये जो जीपी थी, वैसे तो हमारे कोर्स में जीपी नहीं है, बट फिर भी कंसेप्ट आपको समझा दिया गया था। तो ये तीसरा आदमी होगा, अगर ये तीसरा आदमी हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 1 by 4 upon 5 इज इक्वल टू 5 upon x। भाई नहीं समझ में आया? एक बार मैं छोटी सी रिविजन करा देता हूँ। जैसे 2 20 2 20 upon 2 10 होता है। हाँ ये जीपी है, क्यों? क्योंकि 20 upon 2 इज इक्वल टू 200 upon 20 इज इक्वल टू 10। नहीं समझ आया यार? तो इसका मतलब ऐसे करके कुछ बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो 6 1 by 4 multiply by x = 25। तो x = 25 × ये 6 1 by 4 24, 25/4 है, तो यहाँ 4/25 हो जाएगा। मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो x 4 के बराबर हो जाएगा। अरे 6 होता 24, 25/4 × x इज इक्वल टू 25। समझ आ गया क्या किया? ये 6 1/4 है ना यार, ये 25/4 है, इनटू एक्स इज इक्वल टू 25। अच्छा तो वो एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव साइड लेने के लिए इंटू माइनस फोर चार अपॉन हटाना 25 तो 4 इसका आंसर आ गया। 4 इसका आंसर आ गया। सरावणी जी समझ आ गया? सरावणी जी समझ आ गया? फिर से डिस्क्रिमिनेंट डज नॉट पोजेस रियल रूट्स। देखिए वही बात है जो उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे। रियल रूट्स कब होते हैं? जब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता जीरो। है। ये कह रहा है डज नॉट, तो डी लेस देन 0 है। थोड़ा सा और डिटेल में समझिए। एक्स इक्वल टू -b + -b² - 4ac अपॉन टू है। ये फैक्टर जो है ये इस का इक्वेशन का दिल है, इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। इसके रियल रूट सब होंगे जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 हो गया तो ये बीच में नेगेटिव आ जाएगा, इसके बीच में नेगेटिव आ जाएगा, तो डज नॉट पोजेस रियल रूट आ जाएगा। तो कहने का मतलब अब इसका जो डी है वो है क्या? b² - 4ac = b² - 4। भाई नहीं समझ आ रहा? बताइए क्या नहीं समझ आ रहा? सलामी जी आपका डाउट बोलिए। आई समझ नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं आया मुझे एम सॉरी, सलामी जी बताइए। क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे इसमें सॉल्व कैसे करेंगे ये पता कैसे चलेगा आपको मैडम ये x = -b + -b² - 4 इसी आपको समझ आता है? ये समझ आता है? ये आपको पता हाँ है? नहीं सर पता आपको? आपको ये पता है कि d b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं? ये पता है? नहीं पता? हाँ पता ओके अब देखिए, d अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं। आपको बात समझ आई? रियल और d अगर लेस देन 0 है तो रूट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। आपको बात समझ आ गई? रूट्स आपको कॉम्प्लेक्स अच्छा हाँ लगता है, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे बोल दीजिए नॉट रियल, बात खत्म। आपको समझ आया जो मैं बोला? पक्का? हाँ सर जी अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई एक बात बताओ, ये जो इक्वेशन है इसके रियल रूट्स नहीं होने चाहिए। मेरी बात समझ में आई? नहीं होने चाहिए रियल हाँ रूट्स तो वो ना। गिर लेस देन तो सबसे पहले तो जीरो डी निकालना पड़ेगा। अब बेसिकली हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। अब अगर आप ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि हमारा ए वन है, बी जो है वो माइनस बी है, सी जो है वो वन है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? समझ आए तो बी स्क्वायर मतलब ये माइनस बी का स्क्वायर -4 × a × c
इक्वल टू 20 करोड़ माइनस 4। सराउंड जी आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? समझ आ गया। तो 20 करोड़ माइनस 4 जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, यही मैंने यहां पर लिखा है। बेटा समझ आ रहा है आपको, नहीं आ रहा? समझा समझा ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, 20 करोड़ जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, आई एम सॉरी 20 करोड़ लेस देन 4 होना चाहिए। नहीं समझ में? हाँ तो एक्चुअली ना ये आपके सिलेबस में ना, फिर जी जी बोलिए बोलिए श्रावणी जी बोलिए, नहीं जी जी श्रावणी जी बोलिए। नहीं नहीं कुछ नहीं मतलब मैं आपको बता तो देता नहीं हूँ, है। हाँ मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बाद आपके सिलेबस में नहीं है। किस लिए नहीं है? क्योंकि आपके सिलेबस में ना लीनियर इनइक्वालिटीज है, लीनियर इनइक्वालिटीज। ये जो है ये थोड़ा सा उसने ट्रिकी डाल दिया है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ सॉल्व कैसे होता है, चिंता मत कीजिए। समझ आया? ठीक है, बट इस क्वेश्चन से जो कंसेप्ट आपने हाथ में पकड़ के रखना है वो ये पकड़ के रखना है कि अगर क्वेश्चन आ जाए डज नॉट पोजेस रियल रूट्स, तो कंडीशन क्या होती है, ये पकड़ के रखिए। इज लेस देन जीरो, ये मुद्दे की बात है। मतलब इस क्वेश्चन में जो हमने चीज रिव्यू की, रिवाइज की, वो ये की कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रियल रूट, और लेस देन 0 है तो कॉम्प्लेक्स। नहीं समझ में आया? सरावणी जी अब थोड़ा सा आगे रास्ता थोड़ा सा कठिन है, चिंता मत कीजिए। समझ आया? ठीक है, नहीं समझ आया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कम ही आता है। बट कंडीशन जो है वो हमें क्लियर होनी चाहिए। अब इसको मैं लिख सकता हूँ b+2 × b-2 <=0। नहीं समझ में आया? अरे बी स्क्वायर माइनस फोर ए स्क् एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स हाँ स्क्वायर। समझा नहीं समझ में आया? जो मैं बोलूंगा जरा ध्यान से सुनिए, आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है और वो लेस देन जीरो है। आपके पास दो नंबर्स हैं जो लेस देन जीरो, उनका प्रोडक्ट लेस देन जीरो है। जो मैं कह रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिए, ये दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट लेस देन जीरो है, ये तभी हो सकता है। या तो बी प्लस टू लेस देन जीरो और बी माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। या तब हो सकता है कि अगर बी प्लस टू ग्रेटर देन जीरो और बी माइनस टू लेस देन जीरो, मेरी बात ही समझ आ रही, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अपने आप से बातें कर रहा हूँ मैं, दो नंबर का प्रोडक्ट, समझा। फिर से सुन लीजिए, कंफ्यूज मत होइए, बड़ी सिंपल सी बात है। दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो प्लस फोर इंटू माइनस थ्री होगा या माइनस फोर इंटू थ्री होगा, -12 -12। और किसी कंडीशन में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स नेगेटिव नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 4 × 3 पॉजिटिव है और -4 × -3 फिर से पॉजिटिव है। बेटा नहीं समझ में आ रहा श्रावणी जी? तो दो कंडीशंस बनती हैं, या तो ये बनती है कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, या कंडीशन बनती है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। भाई नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। ये थोड़ा सा इसने कॉम्प्लिकेट कर दिया, इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं थी, बट मैं आपको पहले बताया गया कि इस क्वेश्चन में जो समझना है वो ये समझना है कि कंडीशन, वो कंडीशन जिसमें नॉन रियल रूट्स आए, या ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में तो दैट वुड बी वन ऑफ द टेढ़ा क्वेश्चन, उसके सिवा सारा एग्जाम आसानी होगा। तो इससे क्या निकलता है नहीं जी, बताइए। सर, मैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में बोलना चाहूंगा। इस केस में बी लेस देन माइनस टू, बी ग्रेटर देन टू, कहने का मतलब यहां बी हो सकता है या यहाँ बी हो सकता है, ये हो सकता है बी या ये हो सकता है बी। और इसका मतलब क्या हुआ, बी -2 से लेके 2 के बीच में, ये यहाँ पर, तो इसलिए इसलिए इसका आंसर जो है वो आता है बी। आप चिंता मत कीजिए, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आ गया हो, नहीं समझ आएगा तो भी चलेगा। समझा सर। टेढ़ा क्वेश्चन, ये अकेला ठीक नहीं है, ये भी अकेला ठीक नहीं है, जो कंडीशन सेटिस्फाई करती है वो ये सेटिस्फाई करती है। सरावणी जी, ऑब्वियस हो गया सर। सरावणी जी डाउट है? नाइस सर। तो ये मैट्राइसिस का इजी क्वेश्चन। सरावणी जी इसमें कोई डाउट है? सरावणी जी इसमें कोई डाउट? नहीं सिंपल है नहीं यार, ट्वाइस 2x+y इसके इक्वल है तो मैट्रिक्स x इसके इक्वल होगा। ये पेपर बड़ा अच्छा बनाया है जिसने भी बनाया है, तो 2x+3 2 1 4 = 1 0 -3 2, ये इस साइड आएगा तो 2x इसके इक्वल होगा। आपको माइनस करना पड़ेगा, 1 -3 -2 0 -2 -2 -3 -1 -4 2 -4 -2। मित्रों समझ आ रहा है? अपने आप से बातें कर रहा हूँ। श्रावणी जी आपको समझ आ रहा है? हाँ
हाँ सर, आंसर ए है ना। समझ आया? इसका हाफ कर दीजिए तो ए आंसर है। कितना समझा? बहुत बढ़िया, 8th। ओके सलाम जी, आपसे क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ? तो हुआ सर, होगा। टी एन जो है वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है ना? तो डी माइनस 41 ए पाए। नहीं समझ में आया सलामी जी। इसमें जो बच्चों से गलती हो जाती है वो ये हो जाती है जो आप बोल रहे हैं कि डी माइनस टू है इस केस में। अच्छा लास्ट टर्म नहीं है टू अरे भाई हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आराम से समझिए, बिल्कुल आराम से। ये बच्चे गलती करते हैं बहुत। माइनस टू था। जो डी है ना वो सेकंड माइनस फर्स्ट होता है, या थर्ड माइनस सेकंड होता है, या फोर्थ माइनस थर्ड होता है। यहाँ गलती करते हैं बच्चे। तो 3 माइनस 5 है भाई, ये माइनस टू है। सरावणी जी डाउट है? सरावणी जी डाउट है? नहीं समझ लिया, और तो नहीं। बाबा बोला पेपर नहीं हुआ तेरा पूरा। तो टी एन जो है वो लास्ट टर्म है, ए जो है वो पहली टर्म है, एन माइनस वन, एन तो पता नहीं, डी क्या है माइनस टू। इसको सॉल्व कीजिए, -41। तेरे घर में भी ऐसी ठंड होती है विनीत? यहाँ ठंड है ना? हाँ नाइस। क्या फायदा है, थोड़ा फ्लैट है, इधर क्या -2 सोचे तुम भी? नेगेटिव नेगेटिव टीचर का तो तुमको पता नहीं होगा, कोई फैन नहीं ऐसी स्पीच से। हाँ N=24। सरावणी जी समझ आया? जी सर, इसके आगे मेरा टट्टी नहीं है। श्रावणी जी ये पूरा पेपर करना है आपने अपने आप। हाँ सर, अगला सब किया है मेरे को सर। अगला 9th क्वेश्चन देखिए, इसमें याद रखिए एग्जाम्पल करिए एक बार रिमाइंडर फैक्टर रिवाइज भी करना चाहिए। सर, अच्छी बात करना चाहिए, पर जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ वो समझ लीजिए। बात समझिए, अगर आप 9 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 2 4 8, एक रिमाइंडर। तो 9 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 × 4 + 1। ये बात भेजे में बैठी या नहीं बैठी? ऐसा क्यों कर? और ये बात समझ आई या नहीं आई? वो क्यों करेंगे वो छोड़ो, वो पिताजी ने बोला सुबह उठ के ब्रश करना है, वो समझ आया या नहीं आया? क्यों करेंगे वो पिताजी बाद में बताएंगे। नहीं समझ में आया उस टाइम ताम झोड़क मत करो, क्यों करूं ब्रश, कैसे प्रूव इट जी बताइए। सरानी जी बताइए, सरानी जी बताइए। सर सर, हम लोग एक बार लाइक मैं एक बार सॉल्व कर सकती हूँ, आई एम सॉरी, मैं अभी लाइक सॉल्व कर सकती हूँ। सॉरी यार मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही। नहीं अभी सुनिए, अभी अभी सुनिए, अभी सिर्फ सुनिए, अभी ज्ञान लीजिए, फिर सॉल्व करते रहिए। अच्छा ठीक, 13 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 3 12 और रिमाइंडर 1 है, सो 13 कैन बी रिटन एज 4 × 3 + 1। ये दोनों चीजें आपको समझ आई नहीं आई? अब ज्ञान लीजिए, अच्छा इसलिए आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है, क्योंकि अब पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है बेटा, इसको किससे डिवाइड कर रहे हो आप? x-2 से, और रिमाइंडर कितना आया? 3। नहीं समझ में आया, यहाँ कुछ होगा, नहीं समझ में आया। ओ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी यार, मैंने गलत लिख दिया वो पॉलिनोमियल इंग्लिश में। कैसे हाँ डिवाइड हाँ होगा, वो कैसे आई एम सॉरी, डिवाइड आई एम सॉरी, आई होगा। एम सॉरी। अ पॉलिनोमियल विच वेन डिवाइडेड बाय, तो ये पॉलिनोमियल है यार। इससे मल्टीप्लाई नहीं करते एक वाली। अरे 2 मिनट शांति रख लो भैया, रिवीजन करा रहे हैं तुम्हारे चैप्टर की, इसलिए थोड़ा ज्ञान ज्यादा दिया जा रहा है, जरूरत से ज्यादा दिया जा रहा है। तो पॉलिनोमियल विच वेन डिवाइडेड बाय -x² + x-1 गिव्स अ कोशेंट x-2 एंड अ रिमाइंडर 3। ये समझ आया या नहीं आया? अब मैं एक चीज लिखता हूं और बताइए कि दिमाग में घंटी बजी कि नहीं। तो पॉलिनोमियल क्या होगा? -x² + x-1 मल्टीप्लाइड बाय x-2 + 3। ये दिमाग में घंटी बजी या नहीं बजी? वही जो कंसेप्ट है। जी शाबाश, अब पिताजी की बात समझ आई कि सुबह उठ के ब्रश क्यों करना चाहिए और रात को भी करना चाहिए। श्रावणी जी नहीं समझ आया? समझ आया सर। वो तुम्हारी इंडियनस निकलेगी। और फिर क्या दे जाता है हाँ सुनो इंडिया के घंटे सुनो भर के अंदर? मुझे बस इंडिया का अपना अगले अब दिन जय श्री राम करना है फोन के साथ। तो ध्यान से सुनो, उसमें काम की बातें सर ने बताई है। सुनामी जी ये क्वेश्चन समझ आया नहीं? अब आया सर। आपको समझ आया ये 9 को 2 से डिवाइड करके और 13 को 4 से डिवाइड करने करके अध्यापक क्या बताने की कोशिश कर रहा है? एचएलएस का जी बताइए बताइए। इसको इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई 8th 9th क्लास में, -2 डिवाइड कर दूंगा। 8th 9th क्लास में सीख के आओ, -x² + x-1 ये x से मल्टीप्लाई होगा, फिर हाँ वही 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 माइनस एक्स माइनस स्क्वायर टू प्लस एक्स माइनस वन ये -2 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद +3 होगा। ये करते रहिए, मोस्ट प्रॉबली आंसर इन दोनों में से कोई होगा, क्योंकि जो -6 के बाद। शाबाश
और थोड़ा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो चीजें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। यहाँ माइनस एक्स क्यूब है और ये माइनस टू इंटू माइनस वन ना प्लस टू है, तो आंसर जो है ये प्लस टू है, ये देखिए ये वाला प्लस टू है और ये प्लस थ्री वेट कर रहा है, तो प्लस फाइव होना चाहिए, ये वाला इसका आंसर है। सही समझ में भाई? समझ आ गया? ठीक है, नहीं समझ आया तो भी ठीक है, इस केस में बेटा एक्स क्यूब पॉजिटिव है। समझ आ गया? ठीक है, नहीं समझ आ गया तो मल्टीप्लाई करते रहो, आज नहीं तो कल रात से घर पे पहुंच ही जाओगे। नहीं समझ में? तो अगर केस बन गया ना बेटा, जॉब नहीं मिलेगी फिर, एक ही करियर ऑप्शन आ जाएगी फिर, जॉब नहीं मिलेगी अगर केस बन गया तो। गिवन एक्स इज बिलोंग्स टू इंटीजर, इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन ऑफ द सेट वुड बी जो भी है। श्रावणी जी आपसे हुआ नहीं हुआ? श्रावणी जी आपसे हुआ नहीं हुआ? हाँ सर, मेरा आधा ही हुआ, बट कर मैंने लेंगे वो, ना, कर हाँ हाँ समझा सर क्वेश्चन। लेंगे। इतना लंबा लंबा लिखा है तो मोस्ट ऑब्ली ए या बी में से कोई आंसर होना चाहिए इसका, मोस्ट ऑब्ली। पता नहीं मुझे, मैं तो गेस कर रहा हूँ। हाँ आई थिंक बी है, सी है। 3x इज लेस देन 14, x लेस देन 14/3, तो x कहाँ लेस देन 14/3, मतलब यहां तक, फोर तक जाएगा है ना? नहीं श्रावणी जी आपको समझ आ रहा है मैं कर क्या रहा हूं? देखिए, मैं ये वाली जो इक्वेशन है 13x+10, इससे मैंने क्या निकाला, 13x माइनस 10x, तो ये 3x आ गया, 24 माइनस 10 14 आ गया, तो x लेस देन 14/3 है। बट जो x है वो इंटीजर है, क्योंकि x इंटीजर है तो x कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, x जो है यहाँ 4 से स्टार्ट होगा और इस साइड जाएगा। भाई विनीत, तुझे समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा तो ध्यान दे। नहीं, एक मिनट, मेरा हाँ तो तभी कह रहा हूँ ध्यान दे यार, डाउट एक ही, ये समझ आ ये गया समझ आ गया क्या? एक सेकंड, डाउट बाद में पूछना, पहले मुझे सॉल्व करना था, अब उसके बाद इसको लिया। सर। जी बताइए श्रावणी जी, बताइए। नहीं मुझे डाउट नहीं है, मुझे लाइक समझा ओके, आंसर ए। तो अब मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, ये बाजू को सॉल्व करना चाहता हूँ। इसमें मैं 10 को यहां लेके जाऊंगा, तो 3x इज लेस देन इक्वल टू -2 -12, x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो -4 मतलब ये बाजू जाएगा, -4 इंक्लूड होगा, 4 भी इंक्लूड होगा, ये आंसर है बेटा, ए इसका आंसर है। सरावन जी को डाउट है भाई? विनीत, समझो अरे तू अभी तक यहां बैठा गया, तो 3 4 12 और 2/3 लेस देन 4/2 3 है, बट एक्स जो है वो इंटीजर है इसलिए 4 से स्टार्ट होगा। नहीं समझ में आया? तेरी शक्ल से लग रहा है यार नहीं समझ में आया, फिर ध्यान से समझ जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख, एक्स लेस देन 4 2/3, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। यस, एक सेकंड, ये तुझे जो लिखा है ये समझ आ गया भाई? इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स है वो 4 2/3 से छोटा, मतलब इस साइड हमें जाना है, बट साथ में एक्स इंटीजर होना चाहिए। अगर एक्स इंटीजर होगा तो पहला जो नंबर सेटिस्फाई करेगा कंडीशन, वो 4 सेटिस्फाई करेगा। ये वाले जो नंबर है ये सेटिस्फाई नहीं होते। श्रावणी जी कोई डाउट है? श्रावणी जी डाउट है आपको? नहीं सर, नहीं भाई पकड़ा, अरे तूने लॉजिक पकड़ा नहीं पकड़ा? अब समझ किसका, रहा अब ये पॉइंट किसकी तू बात कर रहा है, कौन से पॉइंट की बात कर रहा है? तो 13/14 को 13 3.25 पॉइंट 14 कर रहा है, ये 13 पॉइंट 14 नहीं है भाई, 14/3 है। ये अच्छा ले, ओके समझ आ गया? ये क्लास सेकंड का काम मत कर, क्लास 10th का काम कर। जी मेरे ओके, श्रावणी जी 2 मिनट। देखिए, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स इज एट द पॉइंट जेड माइनस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। तो बेटा ऐसा कोई ट्राइंगल होगा, उसके ये तीन वर्टेस आपको दिए हुए हैं, 3 -5 -7 4 और 10 -z। ये विनीत बाबू फटाफट में बता देंगे, सेंट्रोइड क्या होता है बेटा? अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? विनीत बाबू बताना नहीं चाहते, गुप्त रखना चाहते हैं, ये बात गलत है, आप फॉर्मूला सीक्रेट रखना चाहते हो, ऐसे मतलब शेयर नहीं करना चाहते। श्रावणी जी आप बता दीजिए। सर ये कौन से चैप्टर से है एग्जैक्टली, आई एम सॉरी श्रावणी जी, ये कौन से चैप्टर से है एग्जैक्टली? ये मैडम आपकी बुक से है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। ओके तो मैं ये तो मतलब वीडियो तो विनीत, कांट
विनीत जी जो है वो फॉर्मूला को सीक्रेट रखना चाहते हैं, हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहते दोस्त हैं वो, इनको आता है बट बताना नहीं चाहते हैं, बड़े आदमी हैं क्या करें। तो नोट कर लीजिए सलामी जी, फटाफट 2 मिनट लगेंगे, नोट कर लीजिए। X1 Y1, बाकी का ज्ञान गणित आपको, अरे फ्लो को फैलाई बाकी का ज्ञान गणित विनीत जी ऐसे नहीं, मतलब इतना सीक्रेट नहीं रखना चाहिए। बाकी का ज्ञान गणित आपको दिया गया है, अब दोबारा मैं उस पर टाइम पास नहीं कर रहा, और पूरा ज्ञान गणित दिया गया है सर। और श्रावणी जी आपकी बुक देखेंगे तो आपको और ज्ञान मिल जाएगा। देखिए सेंट्रोइड जो होता है, सेंट्रोइड जो होता है वो ट्राइंगल्स के मीडियंस जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। श्रावणी जी समझ आ गया? ओके, पहली बात ये, अभी जो ज्ञान दे रहे हैं वो सुनो ठीक है, अपना सीक्रेट रख लो अपने पास। तो पहली बात ये बेटा, दूसरा ना सेंट्रोइड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना इस पे एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन भी बनता है कि ये जो सेंट्रोइड, अब इसका नाम मैं पी रख देता हूँ, ये जो पॉइंट पी है ना बेटा, वो 2:1 में इस लाइन को, जिसको कि बोला जाता है मीडियन, मीडियन उसमें डिवाइड करता है। सलामी जी बात नहीं समझ आ रही आपको मेरी? बेटा हाँ सर ये ट्राइंगल है ना ए बी सी, ए बी सी, तो ये बी पी, बी तो रख दिया तो मैं एक्स रख देता हूँ, बी एक्स एक मीडियन है, सी वाई दूसरा मीडियन है, ए जेड दूसरा, तीसरा मीडियन है, ये तीनों मीडियन है बेटा, ये पॉइंट पी में मिलेंगे जिसको बोला जाता है सेंट्रोइड। ये बात समझ आ गई? सेंट्रोइड जो है वो मीडियन को 2:1 में काटता है, आपको बात समझ आ रही है? श्रावणी जी हाँ समझ आ रहा है? हाँ। और पी का जो कोऑर्डिनेट होता है बेटा वो होता है X1 + X2 + X3/3, Y1 + Y2 + Y3/3। श्रावणी जी नहीं समझ में आया? विनीत समझ बाबू, गया। विनीत बाबू को डाउट, दिमाग में घंटी बजी, नाइस बहुत बढ़िया। तो जो सेंट्रोइड है अभी, जैसे अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा ना ऐसे, ये यूं ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये जो पॉइंट है ये क्या है, Z, -1, देखिए Z, -1, नहीं समझ में आया श्रावणी जी? तो समझ गया। जेड बेटा, अगर आपको पूरा लेक्चर समझ आ रहा है तो जेड जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, -7 + 3 + 10 होल अपॉन 3 इज इक्वल टू 13 - 7 6/3 इज इक्वल टू 2। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2। नहीं समझ में आया श्रावणी जी? समझ आया। पक्का? नाइस। हाँ सर। देखिए श्रावणी जी, रिफ्लेक्शन एच डैश ऑफ पॉइंट ये इन द लाइन दिस इज पॉइंट, और ये सारे क्वेश्चंस में 2 मिनट में, लेस देन 2 मिनट्स में एक डायग्राम बना लीजिए, 2 - 5 रफ ट्रेस कर लीजिए, 2 - 5 यहाँ कहीं होगा, ये 2 होगा, ये -5 होगा, इज इन द लाइन Y-1, Y-1 बेटा ये यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली ऐसे करके ये होगा। सलामी जी समझ आ गया? हाँ सलामी जी आपको समझ आ गया? जी, तो -1 -5 से -1 बेटा, ये जो डिस्टेंस है ये 4 है, तो यहां से ऊपर भी डिस्टेंस ऐसे 4 होना चाहिए, ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी 4 होना चाहिए, 2 तो होगा ही क्योंकि 2 की लाइन चल रही है, 2 तो होने ही वाला है, -6 तो हो नहीं सकता, इसके नीचे तो हो नहीं सकता, तो यही होगा 3। नहीं समझ में आया सलामी जी? हाँ समझा। तो चेक करने के लिए देखिए, -1 से लेके ये जो डिस्टेंस है ये 1 है, यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये 3 है, तो 1 + 3 जो है वो 4 के इक्वल है। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, एक्स वाई जी आर इन कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन, वैल्यू ऑफ दिस इज, सुरानी जी आपसे हो पाया? X²+Y²+2XY, देखते हैं ऐसे होता है नहीं होता, नहीं होता तो कोई और जुगाड़ लगाते हैं, 2YZ। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है यार कि X/Y = Y/Z, तो Y² जो है वो XZ के इक्वल है, वही समझ आ गया? इससे अच्छा इस पे एक और जुगाड़ लगा सकते हैं यार, मुझे लगता है इससे, ये वाले रास्ते से हम आगे नहीं जा पाएंगे। इसका एक और जो इजी मेथड है वो ऐसा है कि X/Y = Y/Z = K, तो X = YK, Y = ZK, नहीं समझ में? प्रोपोर्शन जी, तो YK+Y का Z² + Z का स्क्वायर, तो ये
वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा और नीचे से जेड स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, बट दुष्ट ने वाई तो रखा ही नहीं, तो वाई की वैल्यू हमें पता है, वाई की बजाय हमें एक्स और जेड लिखना पड़ेगा, वाई स्क्वायर जो है वो एक्स जेड के इक्वल है, तो अपॉन जेड स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, एक्स अपॉन जेड के, तो ये आंसर हो जाएगा। श्रावणी जी आपको समझ आया, मैं खुद से ही जो मर्जी करता जा रहा हूं? नहीं, मुझे समझ आया। देखिए देख लीजिए, 2 मिनट लगा के देख लीजिए, मैंने एक रास्ता चूज करने की कोशिश की थी, वो रास्ता मुझे लगा कि कहाँ लेके नहीं जाएगा, शायद लेके जाता बट मुझे ज्यादा उस पर विश्वास नहीं था, तो मैंने रास्ता बदल लिया। कैसे बदला देख लीजिए, एक्स वाई जी जो है वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स अपॉन वाई वाई अपॉन जेड के इक्वल होगा और ये किसी के इक्वल होगा, ये स्टेप क्लियर है क्या श्रावणी जी? समझा। तो एक्स जो है वो वाई के इक्वल होगा और जो वाई है वो जेड के इक्वल होगा, ये स्टेप आपको क्लियर है? तो कहने का मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x की वैल्यू मैंने यहां से डाल दी y के, और y की वैल्यू यहां से मैंने डाल दी z के, ये देखिए यहां z के डाल दिया, आपको समझ आया? देखिए इसको मैंने क्या किया, ये जो लिखा है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, y कॉमन ले रहा हूँ और अंदर रह जाएगा k प्लस वन का स्क्वायर, और नीचे क्या मैं कॉमन ले रहा हूँ, z कॉमन ले रहा हूँ और अंदर क्या रह जाएगा ये, नहीं समझ में आया श्रावणी जी? समझ तुझे समझ आ रहा है? नींद आ रही है, नींद आ रही है मुझे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, नहीं समझ में आया श्रावणी जी ये सब समझ आया? अब प्रॉब्लम क्या है मैडम, ये वाई और जेड यहाँ किसी भी में भी वाई और जेड नहीं है, तो मतलब मुझे जेड रखो बट वाई को निकाल दो, तो वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो एक्स जेड के इक्वल है, क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो मैंने वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ एक्स जेड डाल दी। श्रावणी जी नहीं समझ में आया? समझ आया, समझ आया मैडम, टफ पेपर है ये, अच्छा पेपर है, तो जेड और जेड कैंसिल हो गया तो एक्स बाई जेड इसका आंसर आ गया, टफ पेपर है, अच्छा पेपर है, आपको सारे क्वेश्चन करने चाहिए, अब क्वेश्चन कर लेना भाई, समझ आ गया। 11th टर्म ऑफ एन एपी बेटा, तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू टी, 11th टर्म टी 11 ए प्लस 11 माइनस वन इन टू डी, डी क्या याद रखिए, डी कैलकुलेट करने का 2 माइनस माइनस हाफ, 2 प्लस हाफ 5 अपॉन 2, यहाँ 5 अपॉन 2 आएगा, माइनस 3 प्लस 10 इन टू 5 अपॉन 2, 2 5 का 25 माइनस 3, 25 माइनस 3 22 के बराबर होता है आंसर 22। श्रावणी जी नहीं समझ में आया? श्रावणी जी नहीं समझ में आया? पक्का रसी भी काम कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, काम कर रहा है, हाँ वो दिख रहा है भी शीशे में, क्या दिख रहा है, तो क्या स्क्रॉलिंग कर रहा है? लास्ट देख लीजिए, इफ ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस रिमाइंडर इज माइनस 3 देन द वैल्यू ऑफ के इज, ठीक है रिमाइंडर थ्योरम बेटा, मतलब इसमें ये फंक्शन है आपका, मेरे क्वेश्चन करने से आपके फंडे क्लियर नहीं होंगे जब तक आप खुद नहीं करेंगे, ये भूल जाइए कि देखने से आपको मैथ्स आएगा, देखने से किसी को मैथ्स नहीं आता, खुद हाथ लाएंगे तब जाके मैथ्स आएगा, मेरा तो हर साल काम है, हर साल छात्र आते हैं उनको सिखा देता हूँ, बट सीखेंगे वही छात्र जो, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, रिमाइंडर माइनस 3 के, तो 6 के किसके इक्वल होगा, माइनस 24 के किसके इक्वल होगा, माइनस 4 के। श्रावणी जी नहीं समझ में आया? श्रावणी जी समझ गई? तो बात मानिए मेरी, आज कल की क्लास से पहले, अच्छा आप श्रावणी जी आप तो कल नहीं आ रहे, विनीत बाबू और मैं आगे सफर करेंगे, कोई नहीं आ जाना, तो 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक जो हमने डिस्कस किए वो प्लीज कर लीजिए। श्रावणी जी आपको समझ आया? और श्रावणी जी मंडे का होमवर्क नोट कर लीजिए, मंडे का होमवर्क नोट कर लीजिए श्रावणी जी, सैंपल पेपर 2023 का, समझ आया आपको, मैंने उसका लिंक भेज दिया, और दूसरा कंप्लीट दिस पेपर, आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, विनीत बाबू और मैं कल क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे, आप वो भी देख सकते हैं और इस पेपर को कंप्लीट कीजिए। श्रावणी जी समझ आया?
सर श्रावणी जी आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, नहीं तो आपके नवंबर दिसंबर में आपके प्रीलिम चालू हो जाएंगे, नंबर नहीं आएंगे आपके और हाथ पैर फूल लाएंगे ऐसे, मतलब डबल हो जाओगे, आपका शरीर डबल हो जाएगा टेंशन के मारे। हाँ तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, सिंसियर रिक्वेस्ट है, एफर्ट डालिए, नहीं तो नंबर नहीं आएंगे। और लास्ट मिनट में नंबर नहीं आते ना, लास्ट मिनट भूल जाइए, कोई नंबर नहीं आना है, अभी एफर्ट डालेंगे नवंबर दिसंबर में तो नंबर आ जाएंगे आपके। ठीक जी है, मीटिंग बंद करूँ? हाँ सर, मैं ओके, आपको व्हाट्सएप पर जी 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 मैसेज मुझे करती व्हाट्सएप हूँ। कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके, सी यू, टाटा। ठीक है, बाय।